अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो जी, जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना रिव्यू दिया करें, कमेंट्स में बताया करें आप लोग वॉइस ओवर सुनते हैं। और जो छोटा सा टारगेट दिया है वो डन ज़रूर करना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है एपिसोड लिखते हुए, और एक छोटा सा टारगेट होता है जिसे आप पूरा भी नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि राइटर ने एपिसोड नहीं दिया। लेकिन वो ये होता है कि जब आप लोग टारगेट पूरा करते हो तो फिर एपिसोड लिखने में आसानी हो जाती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नावल है रमजिश और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। किस्त है 124 और पार्ट 1। अमीना खान लाउंज में दाखिल होते बुरी तरह चौंकी थी। आराम सोफ पर बैठा सिगरेट पी रहा था, आंखें सुर्ख थी, चेहरा सर स्मार्ट था। उस फैज शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर मर्दाना शाल डाले हुए था। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। वो हूर की मौजूदगी में कमरे से बाहर निकलता नहीं था। नाश्ता तक हूर के साथ कमरे में करता था। गुल के लिए वो ऐसा नहीं था। सुबह सवेरे कमरे से बाहर निकल आती थी। वो जानती थी आराम हूर से शदीद मोहब्बत करता है। उसकी गैर मौजूदगी में हवेली भी बहुत कम आया था। वो तो रात से बहुत खुश थी कि अब उनका आराम कहीं नहीं जाएगा, मगर उसे यहाँ बैठे देखकर उनका दिल बहुत बुरी तरह परेशान हुआ था। वो परेशानी से आराम की तरफ बढ़ी। आराम, क्या हुआ है बच्चा, इधर क्यों बैठा है कमरे में, आराम क्यों नहीं कर रहा? अमीना खानम की आवाज़ पर हम सिगरेट ऐश ट्रे में मसलता सोफे से उठता अमीना खानम के एहतराम में खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मोरे, आराम ने एहतरामन सलाम करते अकीदत से उनके हाथ पकड़े हाथ पकड़ते उनकी हथेलियाँ नरमी से चूमी। खुश रहो मेरा बेटा, अमीना खानम ने अरहाम का चेहरा दोनों में हाथों में थामा तो अरहाम थोड़ा सा झुका था। अमीना खानम ने उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। अरहाम मुस्कुराते हुए उन्हें अपने सीने से लगा गया था। वो उसकी माँ ना होते हुए भी उसे जरान और शहराम से कहीं ज़्यादा चाहती थी, बल्कि बेहद चाहती थी। तुम यहाँ क्यों बैठा है, मेरा दिल परेशान हो रहा है तुम्हें से ऐसी इधर देखकर। क्या हुआ है, हूर अभी तक तुमसे नाराज़ है? अमीना खानम ने उसकी घनी भीड़ वाले आरिस पर हाथ रखते पूछा था। ऐसी कोई बात नहीं, अंदर दिल घबरा रहा था इसलिए इधर आ गया। वैसे भी मुझे थोड़ी देर के बाद निकलना है। आराम संजीदगी से बोला, क्या तुम फिर इस्लामाबाद जा रहा है? अब तो हूर भी आ गया है, फिर तुम इतनी जल्दी इस्लामाबाद क्यों जा रहा है? अमीना खानम डबडबाए लहजे में बोली, वो फिर से जा रहा था, वो परेशान हुई थी। आराम अमीना खानम के सवाल पर मुस्कुराया था। मोरे, मैं कहीं नहीं जा रहा, इस बार एक महीना इधर रुकूंगा। आज अपने फार्म हाउस में बहराम के आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ मैं। मेरा भतीजा है, शहराम का बेटा मेरा बेटा है। आज पूरे सवाद को मैंने बुलाया है, इसके इंतज़ाम देखने हैं। मैं और जरान फार्म हाउस के लिए निकलने वाले थे। मैं और जरान फार्म हाउस के लिए निकलने ही वाले हैं, आराम ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। शहराम का बेटा तो तुम्हारा बेटा है ही, लेकिन हमारा ख्वाहिश है, हमारा दुआ है कि अल्लाह तुम्हें भी बहुत जल्द अल्लाह तुमको भी अब बेटा दे, तुम्हारा ख़ानदान मुकम्मल हो जाए। मीना खानम ने दुआ दी। इंशाल्लाह मोरे, आराम मुस्कुराया था। लाला, आपके लिए कॉफ़ी ला दूँ? आप रात से जाग रहा है,
रक्षा ने लाउंज में दाखिल होते अरहाम लाला अरहाम से कहा, अरहाम से लाउंज में दाखिल होते कहा, रात से जाग रहे ये क्या बकवास कर रहे तुम, कैसा बेशर्मी का बातें कर रहे। मीना खानम ने दरक्षा को घूरा था और हाम के जागने का मतलब कुछ और ही समझी थी। खानम भी लाला रात भर इधर लाउंज में बैठा सिगरेट पीता रहा, हम तो वो बात कर रहा था। रक्षा सुर्ख चेहरे के साथ आहिस्तगी से बोली थी। रक्षा की बात पर अरहाम ने उसे घूरते हुए चिलचिलाते हुए अपनी घनी भेड़ मसली, अरहाम अरहाम तुम रात पर यहाँ था, तुम होर के साथ नहीं था? अमीना खानम ने बेयकीनी से पूछा। मोरे वो प्रीजे के साथ सोई थी, प्रीजे बहुत खुश थी इसलिए मैंने खुद ही कहा, वो प्रीजे के साथ आज रात रुके। अरहाम ने संजीदगी से सोफे पर बैठते अपना सिगरेट लाइटर सिलगाए लबों में दबाया, लाइटर से सिलगाए। अरहाम ये क्या बात हुआ, वो इतना महीना बाद हवेली आया है और प्रीजे के पास सो गया, ऐसा तो नहीं होता? इसका मतलब है वो अभी भी तुमसे खफा है? अमीना खानम ने सोफे पर बैठते परेशानी से अरहाम को देखा था। अरहाम बिना कोई जवाब दिए संजीदगी से सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। देखो अरहाम, वो कम उम्र है, खूबसूरत है, इतने बड़े बाप का बेटी है, उसमें नखरा होगा, फिर वो औरत है, बीवी है, एक बीवी में नखरा आ जाता है जब उसको पता हो उसका शौहर उस पर जान छिड़कता है, उसका नाम है हाँ होता है। अगर वो इधर तुम्हारा साथ अपना मर्जी से आया है तो उसका क्या मतलब हुआ? वो तुम्हारा साथ रहना का वास्ता है, वो कम उम्र है, तुम तो नहीं है, और उसको कैसे रखता है तुमको तो मालूम होना चाहिए। तुम्हारा ज़िंदगी में दो दो औरतें आया है, जहाँ नरमी बरतना वहाँ नरमी बरतना चाहिए, जहाँ सख्ती करना वहाँ सख्ती करनी चाहिए, मगर सख्ती इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो टूट जाए। उसमें वो इतना भी सख्ती नहीं करना चाहिए, वो टूट जाए, उसमें अकड़ आ जाए। कितना सख्ती करता रहा तुम होर पे, क्या हुआ, चली गई ना, झुका तो तुम ही उसके आगे, क्योंकि वो औरत तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ है, तो अभी भी उसका आगे झुक जाओ, जो कहती है वो मान जाओ। उसका नखरे उठाओ, वो इतना बड़े बाप का बेटा है, उससे आगे वो तुमसे क्या चाहेगा कि तुम उसका नखरा उठाओ, उससे बहुत प्यार करो, उसका बातों पर गुस्सा करने के बजाय उसका दिल टटोलो, यकीनन उसका दिल में बहुत शिकवा होगा। अमीना खानम ने संजीदगी से अरहाम को समझाया, अरहाम से गिर सिलगाए संजीदगी से गहरे कश लेता गैर मरे नुक्ते को घूर रहा था। इसी असना में होर लाउंज में दाखिल हुई थी। माशाल्लाह, अमीना खानम होर को देखते सोफे से उठी, अरहाम की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था, वो सिगरेट के वैसे ही कश ले रहा था। हूर की तरफ नज़रें उठा कर नहीं देखा था। जो ऑफ वाइट कलर की खूबसूरत से लॉन्ग ओपन गाउन में मलबूस थी, जिस पर ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा सर पर सेट किए हुए जनान खाने में दाखिल हुई थी। मेकअप में रेड ब्लड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, गले में कीमती मोतियों का गुलबंद सजाया हुआ बहुत
कीमती मोतियों गुलबंद पहना था जो हाम ने उसके लिए ख़रीदा था। अस्सलाम वालेकुम मोरे, हूर ने अमीना खानम के करीब आते एक नज़र हूर ने अमीना खानम के करीब आते एक नज़र अरहाम को देखते अमीना खानम से सलाम किया। उन्हें सलाम किया जो सुन अरहाम ने अरहाम सजीदा चेहरे से सिगरेट के कश लेता सामने देख रहा था। मोरे मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, रात उधर ही रहूँगा, अरहाम संजीदगी से कहता लंबे लंबे ट्रक भरता मर्दानी की तरफ बढ़ गया था। अल्लाह अपना हफाजत में रखे, अमीना खानम ने अरहाम की पुश्त को देखते दुआ दी। और भीगी आंखों से अरहाम की पुश्त को देख रही थी जिसने एक बार भी उसे नहीं देखा था, वो तो सिर्फ उसके लिए तैयार हुई थी। वालेकुम सलाम बच्चा, माशाल्लाह अल्लाह नजरा बच से बचाए, तुम तो जन्नत का हूर है। सच में हमारा अरहाम बहुत खुशकिस्मत है, तुम जैसा औरत उसका मुकद्दर में आया। अमीना खानम ने अपने पर्स से 5-5 हज़ार के कई नोट निकाले। अमीना खानम ने हूर की पेशानी पर अपने लब रखे थे। अबरिश जो लाउंज में दाखिल होते हुए सब देखते रुकी थी। अमीना खानम उस दिन के बाद उससे नपे तले अंदाज में बात कर रही थी, मगर वो हूर से बेहद मोहब्बत करती थी। उसे कल ही अंदाज़ा हो गया था। अबरिश गहरा सांस लेते अमीना खानम की तरफ बढ़ी, जो सोफे पर पड़े अपने पर्स से 5-5 हज़ार के कई नोट निकाल कर हूर के सर से वार रही थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे, अप्रिश ने अमीना खानम के पास जाकर सलाम किया। जरान जो मर्दाने में दाखिल हो रहा था अपनी बीवी के मोरे कहने पर बुरी तरह चौंका था। उसने पहली मर्तबा उसकी मोरे को मोरे पुकारा था। दूसरे पल वो अप्रिश को देखकर मस्मराइज हुआ था। वो ग्रे कलर की बेहद स्टाइलिश सी मैक्सी मलबोस थी जिस पर गोल्ड का हैवी चोकर पहना हुआ था। सर पर माथा पट्टी लगाए हुए दुपट्टा सर पर दुल्हन की तरह सजाए हुए थी। दुल्हन के अंदाज में सेट की हुई थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार थी। न्यूड कलर की क्रीमी लिपस्टिक लगाई हुई थी, आंखों पर ग्रे स्मोकी मेकअप किया हुआ था, गनेरी पलकों पर मस्कारे का कोट किया हुआ था, आरिस पर हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाई थी, चांद की माने धमक रही थी। जरान की दिल की धड़कनें पूरी तरह मंतशर हुई थी। वो अपने वलीमे का ड्रेस पहनी हुई थी, जरान गहरा मुस्कुराया था। वो एक दुल्हन की तरह क्यों तैयार थी वो ये भी जानता था। जितना मर्जी उसकी गुर्बत में शर्मा ले, मगर उसकी बीवी हमेशा उसे अपनी पनाहों में कैद करके रखना चाहती थी। यकीनन वो एक दुल्हन की तरह इसलिए तैयार थी, वो अभी तक उसके लिए कभी इस तरह इतना तैयार नहीं हुई थी, ना ही उसने वलीमे वाले दिन अपना हक लिया था। आज वो एक दुल्हन की तरह उसकी बाहों में उसके हकूक अदा करना चाहती थी। बरहाम के कीके पर वो अपनी हसरत भी पूरी गई थी। जरान के लबों पर अब हंसी की चलतरंग गूंजी। सामने खड़ी उसकी बीवी आखिर क्या थी वो इतनी शिद्दत से, वो कैसे उससे मोहब्बत कर सकती थी? क्या बीवी इतनी भी मोहब्बत करती है? उसे इस बात का अंदाजा ना था। उसका हर अंदाज उससे गहरी मोहब्बत जाहिर करता था। वो उसकी वजह से अब उसके रिश्तों के आगे भी झुक रही थी। जरान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, करीब से उसे देखना चाहता था। यकदम उसके भारी कदम ठहरे थे। अमीना खानम उसे संजीदगी से सलाम का जवाब देते उसकी तरफ से रुख मोड़कर हूर की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। अप्रिश की आंखें उसी पल भीगी थी। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से किचन की तरफ
दूसरे लम्हे वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। सरा ने अपनी घनी पेट पर हाथ फेरते मीना खानम को संजीदगी से देखा। उसे मीना खानम का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसकी मोरे कैसे उसकी बीवी के साथ ये रवैया रख सकती थी? अगर हूर के सर से पैसे वारे थे तो अब्रिश के सर से भी वार देती। उन्होंने तो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था। अब्रिश कितनी हसास है वो जानता था। कितने दिनों से वो देख रहा था। वो मीना खान अपने कमरे में उनके लिए रात 2 तक लेकर जा रही थी। किचन के काम भी करने लगी थी। शाम का कहवा भी वो सबके लिए बना रही थी। मगर अमीना खानम का रवैया उतना ही सर्द और खुश्क था। वो जानता था वो ये सब कुछ सिर्फ उसकी वजह से कर रही थी। जरान अमीना खानम को संजीदगी से देखते तेज तेज कदमों से जरान अमीना खानम को संजीदगी से देखते तेज तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। सरान भारी कदमों से इस्तरारी अंदाज में किचन में दाखिल हुआ। वो शेल्फ के पास खड़ी अपने कामदार दुपट्टे से अपनी भीगी आंखें अपने कामदार दुपट्टे से अपनी भीगी आंखें रगड़ रही थी। सरान तेजी से उसकी तरफ बढ़ता उसे बाजू से जकड़े उसका रुख झटके से अपनी तरफ मोड़ गया था। अप्रिश उसकी कुशादा सीने से आंट टकराई थी। जरान आप अप्रिश ने जरान के सीने पर हाथ जमाते उसकी ब्राउन आंखों में देखते नजरें झुकाई। उसकी गहरी निगाहों से देखने पर पलके खुद ही आरस पर साया फगन हुई थी। जरान इसकी ठोरी पकड़े इसका चेहरा ऊपर उठाया। कभी मेरी नजरों से खुद को देखा है क्या? जरान ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते गंभीर लहजे में पूछा। नहीं अप्रिश ने भीगे लहजे में कहते सरान की आंखों में झांका। आजकल वो रोमांस के अलावा कुछ और करता ही ना था न कहता था। उससे कितनी मोहब्बत करता है वो बताता ही नहीं था। वो तो उसके लबों से अपनी तारीफ उसकी मोहब्बत में गुंदे लफ्ज सुनने की तमन्नाई थी। वो जितना जानना चाहती थी वो जितनी शिद्दत से गुर्बत के लम्हात में उस पर अपनी जुनून खेजियाँ निछावर करता था क्या इतनी मोहब्बत भी करता था। उस दिन फार्म हाउस बल्कि अमरीका से आने के बाद एक बार भी ने उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। उसने तो निकाह के बाद शायद कभी मोहब्बत का इजहार किया ही नहीं था। हाँ निकाह से पहले बहुत बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था। देखना भी मत वरना भी शर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दिल करेगा। सरान ने अपनी मुस्कुराहट दबाए उसके कान में झुकते मध्यम सरगोशी के अपने सरान की बात पर उसे गुस्से से दूर धकेलते पीछे हुई। सरान उसे बाजू से जकड़े अपने करीब कर गया। कितने पैसे वारे थे मोरे ने हूर भाभी पर? 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 या 5,00,000? जरा ने कहते अपनी कमीज़ की पॉकेट से 5,00,000 की गड्डी निकालते अप्रिश के सिर से वारी थी। अप्रिश ने भीगी आंखों से जरान को देखा। जरान ने वो नोटों की गड्डी अप्रिश की हथेली पर रखी। किसी भी मुस्तहक को अपने हाथों अपने हाथों से दे देना। अप्रिश गहरी सांस लेते
बेयकीनी से जरान को भीगी निगाहों से देख रही थी। दूसरे लम्हे वो गहरे सांस लेते, जरान के कशादा सीने में समाते, शिद्दत से रो दी। जरान उसे अपने कशादा सीने में मजीद सख्ती से भींच गया था। अब ये तुम सोच सोच कर खुद को हलकान करती रहती हो कि कहीं मोरे मेरी दूसरी शादी न करवा दे। जरान ने उसे अपने सीने में भींचते संजीदगी से कहा। अब रिश्वत की बात पर इसके सीने से एक झटके से लैदा होती, उसका गिरबान अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर खान साधा, मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारी मोरे तुम्हारी दूसरी शादी करवा देगी। डरना मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा, अपनी मोरे की किसी भी ऐसी बात पर हामी भरी, मैं तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें दे दूंगी। अपनी उसका गिरबान जकड़े उसकी आंखों में शोला बार निगाहों से देखते शरर बार लहजे में बोली, उसके अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट दबा क्या था। बहुत दिनों बाद उसका ये रूप देखा था, इतने दिनों से भीगी बिल्ली बनी हुई थी। उसके आँख कहने पर चिढ़ने लगा था, रात भर अकेला मेहनत कर करके भी वह बोर होने लगा था, उन तक का मजाज बंदा था। अपनी बीवी की फुल पार्टिसिपेंट चाहिए थी। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, तुम सोच सकते भी नहीं मिस्टर खान साधा, अपरिश पाशा नाम है मेरा, तुम मुझे जानते नहीं, वो हाल करूंगी। बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। तुमने कभी किसी दूसरी औरत से हाथ भी मिलाया? तुम्हारा किसी औरत से मुझे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं। अंदर इस बात का भी ख्याल रखना। अब रिश्वत का गिरेबान और सख्ती से जकड़ी उसकी आंखों में देखे दे एक एक लफ्ज अच्छा बातें बोली। जरान उसके अंदाज पर उसे कमर से जकड़े अपने मजीद करीब कर गया था। किसी दूसरी औरत के बारे कभी नहीं सोचूंगा जब तक तुम बेशर्म हो, मगर आजकल तो तुम। जरान उसे गहरी निगाहों से देखता अपनी बात अधूरी छोड़। अच्छा तो तुम्हें मेरी बेशर्मी पसंद है? अब्रिश गहरे सांस लेते उसके पाँव पर खड़ी हुई। जरान उसके अंदाज पर हैरान हुआ था। वो अपने हील वाले पाँव उसके शूज़ पर रखते उसका गिरबान पकड़े उसके करीब होते उसे शोला बार भीगी निगाहों से गहरी सांस लेते उसकी आंखों में देख रही थी। दूसरे लम्हे उसके होंठों पर झुकी उसके लबों को अपने लबों में जकड़ गई थी। जरान उसके एक्ट पर स्टिल हुआ था, अपना पूरा वजन उस पर डाले उसका गिरबान जकड़े उसके होंठों को अपने लबों से खींच रही थी। जरान उसकी कमर में हाथ डाले उसे मजीद अपने करीब करके उसकी बीवी उसके पाँव पर खड़ी उसका गिरबान जकड़े उसकी सांसें नहील कर रही थी। उसे कमर से जकड़े हुआ था, वो लड़खड़ाता हुआ शेल्फ से जा लगा। अब रही उसकी सांसें नहील करते उसके निचली लब को अपने दांतों में दबा के जरान की गिरफ्त उसी कमर पर मजबूत हुई थी। अब रिश की बेरहमी उसके लबों पर बड़ी थी। अपरिश उसके निचले लब पर जख्म देते पीछे हुई, मगर उसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों से आज़ाद नहीं किया था, ना उसके शूज़ से अपने पाँव हटाए थे। अब बताओ इतनी बेशर्मी काफ़ी है या फिर कहीं और भी तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाऊं?
अपनी जरान की आंखों में देखते चटकते हुए बोली। जरान तो खुमार से आंखों से उसका जंगली एक्ट देख रहा था अपनी जिसकी गर्दन पर झुकते वहाँ दांत गाड़ गई उसकी गर्दन पर चका चका अपने लब रखते अपने जरान मुस्कुराते हुए कमर से जकड़े हुए उसके जंगली वार सह रहा था। अपनी गहरे सांस लेते पीछे अब बताओ और कहाँ बेशर्मी दिखाऊँ तुम्हें। अपनी लफ्स चपाते उसकी कमीज के बटन खोलते उसके सीने पर झुकते अपने लब रखते उसका सीना अपने दांतों से सुर्ख करने लगी। जरान उसे कमर से जकड़े शेल्फ के साथ टेक लगाए उसे खुद में मज़ीद भीग चुका था। अपनी उसका सीना सुर्ख करते पीछे हुए उसका गिरबान अभी तक नहीं छोड़ा था। तुम्हें बेशरम बीवी चाहिए बेशरम बन जाऊंगी। तुम्हें शर्म वाली बीवी चाहिए तुम उससे ज्यादा शर्म किसी दूसरी औरत में नहीं पाओगे। जिस रंगों रंग में रंगोगे रंग जाओगे जो कहोगे जैसा चाहोगे अपनी भाषा वैसी बन जाएगी। मर रहोगे तुम सिर्फ मेरे ये याद रखना तुम्हें सारी उम्र सिर्फ एक औरत पर इत्तफाक करना होगा वो है अपनी भाषा। अपनी उसका गिरबान जकड़े भीगे लहजे में बोल रही थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा शिद्दत पसंद थी उसे लेकर दूसरी औरत का मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सरान उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। यहाँ तो मुझे दूसरी औरत से बचा लोगे मरने के बाद क्या करोगे 70 हुरों को मेरे करीब आने से कैसे रोकोगे। जरान ने मुस्कुराहट दबाई उसे और तंग किया। अपनी बीवी की इतनी शदीद जलन उसे मजा देती थी। वहां भी लड़ जाओगे मगर किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो दोस्तों तुम्हारा मुकद्दर बना दूंगी वहां तो कोई और। वहाँ तो कोई होर नहीं होगी बैठ कर वहाँ जलते रहना। अब्रिश की बात पर जरान का बुलंदो बाग कहकर गूंजा था। उफ़ी अदाएँ क्या करूँगा मैं किसी दूसरी औरत के पास जाकर जब कंप्लीट पैकेज मेरे पास हो जरान भारी आवाज़ में बोलते। उसका चेहरा हाथों में भरते उसके लबों पर झुका उसकी सांसें अच्छी तरह हील करते हुए उसकी गर्दन पर झुके अपनी शिद्दत निछावर उसकी गर्दन पर झुके अपनी शिद्दत निछावर करने लगा। अपनी उसकी कमर पर अपना एहसास मजबूत करते उसे गले पालों में उंगलियां फेरने लगे। उसके सांस इस अंदाज में लिपटी हुई थी कि उसकी नाजगी महसूस करते मजीद बहके। अल्लाह अल्लाह रक्षा किचन में दाखिल होते आंखों पर हाथ रखी थी। जरान जल्दी से अब्रिश से दूर हुआ था। अब्रिश गहरे सांस लेते सुर्ख चेहरे के साथ उसे देख रही थी। जो बेचारी आंखों पर जो बेचारी आंखों पर हाथ रखे खड़ी थी। बीवी मुझे इतनी बेशर्मी नहीं चाहिए जो इस दिन फार्म हाउस में आ मुझे उतनी बेशर्मी हर रात चाहिए। जरान उसके कानों में झुके सरगोशी करते वहाँ से चला गया था। जरान की बात पर अब्रिश कान की लो तक सुर्ख पड़ी थी। इतनी बेशर्मी वो अब कैसे दिखा सकती थी। अपना निचला लब पूरी भाभी लाला को क्या हो गया है लगता है जरान लाला में राम लाला का रोज समा गया है। दृष्टा ने सुर्ख चेहरे के साथ कहा। अल्लाह करे अब्रिश भीगे लहजे में कहते खिलखिलाई थी। दृष्टा भी अब्रिश की तरफ
रक्षा भी अपरिश की तरफ देखते हैं। देखते जवाबन खिलखिलाई थी, दोनों की हंसी किचन में गूंज रही थी जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। वो बिना किसी बात के हंसते जा रही थी। अच्छा निहार खान सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस। असल यार खान सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस ब्लैक शॉल कंधों पर डाले हवेली के जनान खाने में दाखिल हुआ। रहाम ने उसे ख़ास तौर पर बुलवाया था, कल से वो हवेली नहीं आया था। उसने बेचैनी से जनान खाने में दाखिल होते अबीर की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। जनान खाने में मेहमान ख़वातीन भी बैठी थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से अबीर के कमरे की जानिब बढ़ा। असवन जीना खाना बेताबी से उसे पुकारते सोफे से उठी थी। असवन यार खान उनकी पुकार सुनी अनसुनी करता आबिर के कमरे की तरफ बढ़ गया था। रोजीना खानम की आंखें छलक पड़ी थी। वह दिल महसूस थी अपनी आंखें साफ करते सोफे पर बैठी। असवन यार खान आबिर के कमरे की तरफ बढ़ा था कि शहराम खान से टकरा गया जो ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस ब्लैक ही शाल कंधों पर डाले हुए था। मैं मलबूस ब्लैक ही मर्दाना शाल कंधों पर डाले हुए था। असवन यार खान उसे नज़रअंदाज करते आबिर के कमरे की जाने पड़ा। कहाँ जा रही है असन यार खान? शहराम की सर्द आवाज़ पर वो रुका था। अपनी बीवी के कमरे में जा रहा हूँ उससे मिलने, उसके साथ कुछ स्पेशल वक्त गुजारने। और ये भी जानना है या तुम्हें या इतनी ही और भी जानना है तुम्हें या इतनी डिटेल काफ़ी है? क्योंकि एक शोहर अपनी बीवी के साथ स्पेशल टाइम कैसे गुजारता है तुम्हें तो यकीनन पता होगा, क्योंकि इसी नतीजे में बहराम इस दुनिया में आया है। अब मैं चाहता हूँ तुम्हें भी मामू बनने की। खुशी दे दूँ? असवन यार खान तंजिया बोलते शहराम खान के मुकाबले आया। मैं इस खुशी से महरूम ही रहना चाहता हूँ, इसलिए जहाँ से आया वहाँ से चला जा, वरना तेरा बच्चा दुनिया से आने से पहले ही यतीम हो जाएगा। शहराम खान असवन यार खान की शाल पर से ना गर्दीदा मट्टी झाड़ते तंसिया बोला, तुझे मामू नहीं पसंद तो चाचा बन जाए। परसों का सारा दिन वो मेरे साथ गुजार चुके हैं, अभी तेरे सामने उसके कमरे में। घंटों गुजारूंगा, चाहे तो बाहर खड़ा होकर शोर मचा या फिर सबको बुला कर ला, कमरे से नहीं निकलूंगा। बहुत हुआ तो कमरा का दरवाज़ा तोड़ते अंदर आ जाना। असवन यार खान शहराम की शाल पर से ना गिरता मट्टी झाड़ते जवाबी कार्रवाई करते बोला था। शहराम खान की आंखों में खून उतरा था। असवन यार खान उसकी आंखों में देखते इस्तेज़ाया मुस्कुराते हुए आबिर की कमरे की तरफ बढ़ते उसका दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हो गया था। शहराम खान मुठियाँ बीछे आबिर के कमरे की तरफ बढ़ा। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से वो मुठियाँ बीछते खुद पर बामुश्किल काबू पाते तेज तेज कदमों से बहारे के कमरे की तरफ बढ़ गया था। असवन यार खान कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे में नहीं थी, वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। असवन यार खान कमरे का दरवाज़ा लॉक करते अपनी गनी बेड पर हाथ फेरते वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुलता चला गया था।
असमंद यार खान के लब गहरा मुस्कुराए थे। असमंद वाशरूम का दरवाज़ा खोलते असमंद यार खान वाशरूम का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल अबीर असमंद यार खान को देखते बदहवास होते टावल स्टैंड से टावल उतारते जल्दी से खुद पर लपेट गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हिम्मत कैसे हुई आपके अंदर आने की? असमंद यार खान अबीर अबीर गहरे सांस लेते सुर्ख चेहरे के साथ गर्राई, बीवी हो मेरी, मेरी औरत, मेरी अबीर, मैं कहीं भी आ सकता हूँ। इसके लिए हिम्मत की नहीं बेशर्मी और ताकत की ज़रूरत है। और तुम जानती हो मुझ में बेशर्मी और ताकत कूट कूट कर भरी है। असमंद यार खान उसकी तरफ बढ़ता उसके गिर्द दीवार पर अपने दोनों हाथ रख के उसे महसूर कर चुका था। आबिर की सांसों की रवानी में इजाफा हुआ था। तो वो घुटनों से ऊपर तक आते टावल में मलबूस थी जैसे उसने सीने से खाद से जकड़ा हुआ था। शावर से पानी गिरता उसे और असमंद यार खान को भगो रहा था। वो उससे गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। दोनों तो एक दूसरे को गहरी होती सांसों से देख रहे थे। असमंद यार खान खुमार ज़्यादा निगाहों से देखते उसके आरस पर चिपके लट्टे हटाने के लिए हाथ बढ़ाया हाथ बढ़ाया हाथ बढ़ाया अबीर एक हाथ से उसका हाथ झटकते गराई, अगर मैंने तुम्हारे हाथों को जकड़ लिया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जैसे इस वक्त तुम्हें देखते मुश्किल में मैं पड़ चुका हूँ। असमंद यार असमंद यार खान ने उसके टावल की तरफ इशारा किया जिससे ने मुश्किल से एक हाथ से जकड़ा हुआ था। असमंद यार खान की बात पर उसे दोनों हाथों से जकड़ चुकी थी। असमंद यार खान उसके एक्ट पर गहरा मुस्कुराया था। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। असमंद यार खान ने आबिर के आरस पर चुपकी लट्टे नरमी से पीछे की। आबिर गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ फेर गई थी। जाने मन जाने जाना छोड़िए भी सताना हम इस जलन में कब तक चले। असमंद यार खान उसे गहरी गर्म निगाहों से देखते गुनगुना रहा था। असमंद यार खान उसे गहरी गर्म निगाहों से देखते गुनगुना रहा था। असमंद यार खान उसका जबड़ा दबोचते उसका चेहरा अपनी तरफ कर गया था। अबीर अपने टावल को दोनों हाथों से जकड़े असमंद यार खान को देख रही थी जिसका जबड़ा दबोचते भीगते हुए उसे गहरी निगाहों से देखते उसके चेहरे पर अपनी तपन ज़्यादा सांसें छोड़ रहा था। दोनों की आँखें एक दूसरे की आँखों में गड़ी थी। असमंद भारी आवाज़ में बोलते उसकी गर्दन पर झुके बहुत शिद्दत की उसकी गर्दन को अपनी जुनूनी शिद्दतों से दागदार कर रहा था। शिद्दतों से दागदार कर रहा था। अबीर बेबसी से उसका जुनून बर्दाश्त कर रही थी। वो कुछ भी कर सकता था। बेबसी के एहसास से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब आबिर के लबों पर झुक गया था। अबीर बेनाम मछली की तरह तड़प उठी। उसे खुद से दूर भी धकेल नहीं सकती थी। अपने टावल को बमिश्कर से जकड़े हुई थी। वो कभी भी जमीन बोस हो सकता था। वो बुरी तरह उसके शिकंजे में फंसी थी।
उसकी लबों को कंदारी करता उसके हल्के नीले आले ज़्यादा गाल पर अपने लब रख गया था। वो बहुत नरमी से उसके नकोश चूम रहा था, अभी गहरे सांस लेते भीगी आंखों से उसे दूर देख रही थी। दूर हटो असवन यार खान, दूर हटो असवन यार खान। मैं आपसे अपना कल हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, अभी गहरे सांस लेते चटकते हुए बोली। असल उसकी बात पर उसका जबड़ा उसी लम्हे अपनी आनी गिरफ्त में दबोच गया था। मिसेस इसमें यार खान, ये रिश्ता तुम्हारे कहने से या तुम्हारे भाइयों के कहने से नहीं टूट सकता। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, जैसे मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मरते दम तक तुम्हारा रहूँगा। असमन उसका जबड़ा दबोचते घुराया। आप मेरे लिए ये मैं कल साबित कर चुकी, इसकी सजा के तौर पर अब मैं भी आपकी नहीं रहूँगी। अबीर बमुश्किल टूटे लफ्ज़ों से बोली थी, तुमने कहा था मैं ये साबित करूँ अपनी पाकिजगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मिसेज़ आबिर ख़ान, अगर तुम मुझे बदकारदार समझ चुके हो तो मैं अपनी मुकद्दस किताब पर भी हाथ रखूँगा। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी पाकिजगी मेरी सच्चाई सबूतों में नहीं तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। असवन यार खान ने इसके दिल के मुकाम पर उंगली रखी, जैसे तुम्हारी पाकिजगी की गवाही मेरा दिल देता है। तुम्हें तारिम खान के साथ कमरे में देखकर, उसके साथ गाड़ी में देखकर, मेरे दिल तुम्हारी तरफ से मैला नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी पाकिजगी यहाँ मेरे दिल में थी। असवन ने अपने दिल पर उंगली रखते कहा, अगर एक जर्रे जितना भी मैल होता मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी जान ले लेता। मैं अब कभी तुम्हें अपने किरदार की गवाही नहीं दूंगा, मगर तुम्हें छोड़ूंगा कभी नहीं। जुदाई मुकद्दर है तो हंस कर सह लूँगा, अगर दस्तबरदारी मुकद्दर बनी एक गोली यहाँ मारूंगा। असवन यार खान ने अपनी कमीज की पॉकेट से पिस्टल निकालते उसके दिल पर रखी। अबीर की आंखें खौफ से फैली थी, उसके दिल के मुकाम पर उसकी नोक रखता उसे सुर्ख सर्द निगाहों से देख रहा था। और दूसरी गोली यहाँ अपने दिल पर मारूंगा। असवन यार खान अब अपने दिल के मुकाम पर पिस्टल रख गया। आबिर अपना टावल झकड़े से घेरी होती सांसों से खौफजदा निगाहों से देख रही थी। शावर से निकलता पानी दोनों को बगो रहा था। जरान से यही कहोगी तुम, मेरी सजा तुम्हारी जुदाई है, तुम मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा ना कहा तो कसम खाता हूँ उस हस्ती की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अगर ऐसा ना कहा तो मैं कसम खाता हूँ। खुद की जान ले लूँगा असवन यार खान, तुम्हारी और खुद की जान ले लूँगा। असवन यार खान सर्द अंदाज में बोलता उसे अपनी पॉकेट में डालते लंबे लंबे डग भरता वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता चला गया था। तो आज की एपिसोड ख़त्म होती है, तो दुआओं में याद रखिएगा और जो लोग वॉइस पर सुन रहे हैं उनको रिव्यू देना मत भूलिएगा और बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक।